जो कुन्नरकोट है इसी को पहले कुन्नरपुर कहते थे और इसी कुन्नरपुर में महाराज भीष्मक राज्य करते थे। बड़े आदर्श राजा है महाराज भीष्मक, और महाराज भीष्मक के 5 लड़के थे। और जब 5 लड़के थे तो बड़े लड़के का नाम है रोबम, जिसकी ससुराल चंदेली में थी, भीष्मक के बड़े पुत्र थी। 5 लड़के थे लेकिन एक भी लड़की नहीं थी। बड़े आदर्श राजा है महाराज भीष्मक। कैसे है राजा, क्योंकि कुटरकोट के रहने वाले थे राजा भीष्मक। अरे नीत बाल भूपाल सुनाओ हाल, प्रजा रहे राजी राजा है। चारों तरफ राजा की बड़ी भरमनसाई की चर्चा हो रही है, लेकिन मेरे भैया धीरे धीरे समय बना बड़ा आगे। 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के यहाँ पर एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, महाराज भीष्मक बड़े परेशान थे कि एक पुत्री का जन्म हो जाए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई। हुआ क्या, महाराज बड़े खुश हैं। चारों तरफ खुशी की चर्चाएं फैलने लगी। महाराज
झूमने लगे, चिल्लाने लगे, मेरी आज प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी। जब महाराज बड़े खुशी है, उस कन्या को देखा जो महाराज भीष्म के घर में जिस कन्या ने 5 लड़कों के जन्म लिया, और वो कन्या कन्या का क्या थी, वो कन्या ने थी क्या था, और छुकर के महर्षि नारद को आसन पर बैठाया। कहने लगे महाराज भीष्मक बड़े खुशी है, खुशी के मारे पहुंचे जवाब दिया महर्षि नारद, बोलो महाराज, बोलो आप बड़े दिनों के बाद आए, और लेकिन आए तो आए बड़े अच्छे समय पर आए हो, आप तो दे रहे हो महर्षि नारद, आज जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हुआ हूँ, जितनी खुशी आज मुझे है शायद आज से पहले कभी नहीं हुई महर्षि नारद, और जब आप सुनेंगे तो आप भी हमारे साथ खुश हो जाएंगे महाराज। तो सुना, एक बड़ी खुशी की बात यह है महाराज, आप बड़े अच्छे समय पर आ गए। कहने लगे एकदम से महर्षि बाप से भोजराज महर्षि नारद से कहने लगे महाराज भीष्म क्या हाथ जोड़ राजा कहे सिद्ध भये सब काम, और एक बिटिया जन्मी घर में रे जो धरती जो हो महाराज। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया महाराज, आप अच्छी समय पर आए हो, हमारी कन्या का नाम कर संस्कार कर दो, और महाराज उसकी हस्तरेखा को देख करके ये जरूर बता दो कि हमारी कन्या का पति कौन बनेगा, हमारा दामाद कौन बनेगा महाराज। क्या जन्म लाओ है दाम होते भूल रहा हूँ क्या बेटी जन्म लगा भूल रही और ये छोटा बालक शरद हमें आज अंतिम दिवस में हमें पिछाई के रूप में हमारा हार डालकर हमारा सम्मान कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस शरद के लिए, इसे भगवान हर जगह पर दे, इसने हमारा हार धार कर सम्मान किया है, भगवान इसको हर समय हर जगह सम्मान करें, ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और आगे चलकर पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, प्रभु से इस बच्चे के लिए एक प्रार्थना करें, हे प्रभु शरद कुमार मेरे बेटा रे तुम फल हो और फूलो।
आ जाइए कथा जी प्रेजेंटर महर्षि नारद से कहने लगे महाराज भीष्म महाराज हमारे घर में के कन्या ने जन्म लिया है और आप अच्छे समय पर आ गए। आप ऐसा करिए हमारी कन्या की हस्तरेखा देख करके और उसका नाम कर संस्कार कर दीजिए और ये जरूर बता देना कि हमारा दामाद कौन बनेगा। गली को ले गया होकर यानी कि मम्मी मेरे भैया महाराज भीष्म ने अपनी पत्नी को बुलाया उस कन्या को बुलवा करके महाराज के पास में चढ़ा दिया। महाराज महाराज क्या कह रहे हैं आजकल का बहुत अच्छी है। अच्छी है हाँ। आप महाराज आपसे अच्छा कौन जानता है। हाँ बहुत विद्वान है। विद्वान तो हुई क्या शादी भगवान करैया के सर ये सब मेरे भैया महर्षि नारद ने क्या किया उसकी हस्तरेखा लेकर के नाम पर संस्कार करने कैसे तो सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र डालियो मन सोची समझी नाम और पत्रिका में दे करके महर्षि नारद नाम कर संस्कार करने लगे। सुनो इसकी हस्तरेखा तो बहुत अच्छी है महाराज और इसका नाम क्या होगा सुनो